हेलो गाइस, आपका इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक न्यू मस्त गेम प्ले वीडियो में फिर से स्वागत है। तो गाइस यार, अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में देखो डायनासोर कैसे फ्लाइंग कर रही है, हवा में कैसे रुकोया गाइस, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप भी अपने डायनासोर को अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में ऐसे फ्लाइंग कराना चाहते हैं, हवा में रोकना चाहते हैं, तो प्लीज यार इस गेम प्ले वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस गेम प्ले वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही खतरनाक गेम प्ले वीडियो ये होने वाली है। तो प्लीज यार, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो गाइस जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आइए गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, लेकिन गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं न्यू चीट कोड, जो कि अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट के बाद आए हैं। न्यू अपडेट में गाइस अपनी पुलिस थार कार का चीट कोड भी आ गया है, पुलिस फॉर्च्यूनर कार का चीट कोड भी आ गया है, और पुलिस बुलेरो कार का चीट कोड भी आ गया है। बहुत ही सारे न्यू चीट कोड आ गए हैं। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तभी तो आपको चीट कोड का पता चल पाएगा। तो गाइस यार जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आइए हम आपको बता दें हैं पुलिस थार कार के चीट कोड। तो गाइस यार पुलिस थार का चीट कोड है 9090, इससे हमारी न्यू मॉडिफाइड थार आ जाती है। अगर हमको ओल्ड थार को मंगाना है तो गाइस उसका चीट कोड है 9191, उससे हमारी ओल्ड पुलिस थार कार आ जाती है। तो गाइस यार आप ही जल्दी से जाओ अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में इस चीट कोड को जरूर से ट्राई करो और फिर मेरे को कमेंट में बताओ। तो गाइस यार देखो यार, मैं यहाँ पर मॉन्स्टर कार के अंदर फंस चुका हूँ, मैं जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ निकल ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं गेम को एग्जिट कर देता हूँ। तो अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में डायनासोर को फ्लाइंग कैसे करा सकते हैं, उनको हवा में कैसे रोक सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले एक जेट पैक ले लेना है और जेट पैक को लेकर आ जाना है खुले मैदान में। तो खुले मैदान में आने के बाद आपको ओपन करना है अपना आरजीएस टूल। ओपन करने के बाद वहाँ पर लिखना है आपको H2 H3, कोई सी भी आप बिल्डिंग मंगा सकते हो, V1 V2 V3 से आपको बिल्डिंग मंगानी है एक बड़ी सी। तो बिल्डिंग मैंने मंगा ली, भाई यार ये तो कैसे गिर गया, भाई मेरे को तो समझ नहीं आता ये गिरता कैसे रहता है, भाई ये दारू पी रखी है, पता नहीं क्या पी रखा है। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर मंगा ली है बिल्डिंग, अब जल्दी से इसके टॉप पर जाते हैं और यहाँ पर स्पॉन कराते हैं अपने बड़े बड़े डायनासोर को 5051 5253 से। तो मैंने 50 से मंगा लिया है बड़ा डाला डायनासोर, यहाँ पर मंगा कर देखता हूँ कि यहाँ पर आते हो। ओ भाई यार यहाँ पर तो स्पॉन हो ही नहीं रहे हैं भाई, ये मेरे को लगता है जो बिल्डिंग है इसकी जो फ्लोर है गाइस वो बहुत ही छोटा है। देखो यार कोई सा भी डायनासोर मंगा रहा हूँ लेकिन स्पॉन नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर मेरे को दूसरी जो बिल्डिंग है वो स्पॉन करानी पड़ेगी और उसके ऊपर देखेंगे कि गाइस यहाँ पर स्पॉन होगा कि नहीं। तो गाइस अब जल्दी से बैठते हैं जेट पैक में और मंगा ली है मैंने यहाँ पर H3 से गाइस तीसरी बिल्डिंग, और गाइस ये बिल्डिंग बहुत ही ऊंची है और इसका फ्लोर भी काफ़ी बड़ा है। तो गाइस इस पर हम स्पॉन करा के देखते हैं कि गाइस जो अपने स्पॉन डायनासोर है वो इस पर स्पॉन होते हैं कि नहीं। तो गाइस यार देखो यार बिग डायनासोर इसमें टीरेक्स आ चुका है, तो गाइस लगभग इसमें सारे जो डायनासोर है वो स्पॉन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 53 से भी मंगा लिया है, सारे डायनासोर मैंने मंगा लिए हैं लेकिन एक छोटा वाला डायनासोर रह चुका है तो उसको भी मंगा लेता हूँ, उसका चीट कोड है 50। तो 50 से मैं उसको भी मंगा लेता हूँ, उसके बाद मैं हॉर्स को भी मंगाने वाला हूँ और उसी के साथ साथ डॉग को भी मंगाने वाला हूँ, देखता हूँ कि वे भी यहाँ पर रुकेंगे कि नहीं। तो गाइस मैंने यहाँ पर हॉर्स को मंगा लिया है, हॉर्स का चीट कोड है 200 और गाइस यहाँ पर 600 से आ जाता है हमारा डॉग। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सारे मंगा लिए हैं, अब जल्दी से बैठता हूँ जेट पैक में और चलता हूँ नीचे। तो ये जो आगे का काम है वो नीचे जाकर होने वाला है, हमारा ऊपर कोई भी काम नहीं बचा है। तो गाइस ये उड़ा लिया मैंने अपना जेट पैक और अब जल्दी से चलता हूँ नीचे, लेकिन आप जल्दी से जाओ, जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने अपना मिथ अभी तक कमेंट नहीं किया है तो गाइस जल्दी जाकर अपना मिथ भी कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में उसको जरूर से लूँगा। तो फिर आपको आ जाना है अपने RGS टूल में, RGS टूल में आने के बाद लिखना है आपको मोड ऑन, जैसे आप मोड ऑन लिखोगे आपको खाली अपनी पिस्टल और कर देनी है बिल्डिंग फॉर फायर। जैसे आप बिल्डिंग फॉर फायर करोगे तो गाइस जो आपकी बिल्डिंग है और वो गायब हो जाएगी, और मेरे को दिख रहा है गाइस हॉर्स तो वगैरह तो नीचे आ गए, हॉर्स और डॉग तो नीचे चले गए, लेकिन जो अपने डायनासोर हैं वो अभी भी फ्लाइंग कर रहे हैं गाइस, हवा में रुके हुए हैं। तो गाइस यार इनके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो गाइस जल्दी से अगर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस अभी तक आपने अपना मिथ कमेंट नहीं किया है तो गाइस जल्दी से आकर मिथ कमेंट
कर दो। मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में आपका मित्र जरूर से ट्राई करने वाला हूँ और आपका नेम भी लेने वाला हूँ, आपकी टीम को स्पॉन्सर भी करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना मित्र भी कमेंट कर दो। तो कहीं देखो यार कितना अमेजिंग लग रहा है, बिना उसके ये गाइस हवा में खड़े हुए हैं, चारों के चारों डायनासोर हवा में खड़े हुए हैं। तो गाइस यार इनके लिए तो एक लाइक है, सब्सक्राइब तो बनता है। और मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे होस्ट था और जो डॉग था वो बिल्डिंग गायब होते ही नीचे आके गिर चुके हैं। गाइस देखो ये खड़े हुए हैं दोनों, डिस्पॉन तो नहीं हुए हैं लेकिन यहाँ पर आ गए हैं ऊपर से नीचे, तो इनका कोई काम नहीं, इनको मार देते हैं। लेकिन आप जल्दी से जल्दी अगर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में।